क्या किया? आसिम उठो और तुम बताओ, तुमने होमवर्क किया? नहीं किया था, घर में रहा था। तुम होमवर्क की नहीं थी? माचिस नहीं थी ना। माचिस क्यों नहीं थी? माचिस तो नमाज के रूप में थी। तो वहाँ जाकर माचिस लेकर मोमबत्ती जलाना था बेटा? नहीं लाया था जनाब। पानी क्यों नहीं लाया था? क्योंकि मोटर नहीं चल रहा था। मोटर क्यों नहीं चल रहा था? अरे सर, मैंने आपको कितनी बार कहा कि करंट नहीं था। चल ना लायक बैठ वहाँ पर। अच्छा आदम उठो और तुम बताओ, एक तरफ अकल और दूसरी तरफ पैसा होगा कि तुम क्या मांगोगे? मैं तो पैसा मांगूंगा। गलत जवाब। अच्छा सुफियान उठो और तुम बताओ, तुम क्या मांगोगे? मैं डॉक्टर मांगूंगा। वेरी गुड सुफियान, बहुत अच्छा जवाब। लड़ाई बंद करो और बैठो वहाँ पर नालायकों। अच्छा इम्तियाज उठो और तुम बताओ, कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? क्या कहा? गलत जवाब। बताओ तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा तो अंडरवर्ल्ड के डॉन है। क्या तुम्हारे पापा अंडरवर्ल्ड के डॉन है? ठीक है बैठो। अच्छा बच्चों, मैं आज तुम्हारे अंदर कितनी मालूम जानना चाहता हूँ। अच्छा मती उठो और तुम बताओ, रेगिस्तान में कौन सा जानवर रहता है? बहुत अच्छा मती। और एक दूसरे जानवर का नाम बताओ। जनाब ऊंट का छोटा भाई। क्या नालायक, बिल्ली फिरती रहता है बैठ वहाँ पर। अच्छा बच्चों, चंद मालूम याद रखो, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। उठो मुझे और तुम बताओ, दिल्ली में क्या है? नालायक, दिल्ली में कुतुब मीनार को कुत्ता बीमार कहते हो? ठीक है ठीक है। अच्छा और मुझे सलमान खान क्यों नजर नहीं आ रहा है? नालायक, लव लेटर नहीं न्यू लेटर है। क्या इधर आओ और लव न्यू लेटर पढ़ो। अरे रे रे, यो कैसे बच्चे पैदा हुए यहाँ? उर्दू कैसा होता जनाब का भी जनाजा उठा थी क्या? अच्छा असीम, अच्छा यासीन तुम बताओ, हमें एक कौन सी एक कहानी बताओ जिससे हमें चंद मालूम हासिल हो। घर में फोन लगा। वाह वाह, तुम्हें कौन सी दूसरी नई कहानी मिली है नालायक? बैठ वहाँ पर। अच्छा हाफिज तुम बताओ, वाट का मतलब क्या है? वाट का मतलब क्या होता है? तेरी इतनी मजाक के मुझसे उल्टा सवाल करे? नहीं जना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, वाट का मतलब क्या होता है? अरे तुमने तो सही जवाब दिया, वाट का मतलब तो सही दिया। अच्छा बेटो, इन बच्चों में तो एक बच्चा तो सही जवाब दिया, इन बच्चों से मैं तो तंग आ चुका हूँ। अच्छा टॉपिक उठो और तुम बताओ, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हें फरिश्ते ये पूछेंगे क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो दोजख में? क्या नालायक, सबके सब बेकार हो। इज्जत ना उस्ताद की इज्जत, ना जन्नत और दोजख की इज्जत, तुम्हारे चक्कर में चक्कर आ रहा है, तुम्हारे चक्कर आ रहा है।
नहीं हेलो 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 आपने देखा आजकल के बच्चे ज्यादा मोबाइल पर ध्यान देने से कुछ भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बस मैं इतना कह रहा हूँ, छोटा सा ड्रामा खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।